सो व्हाट्सअप गाइस, हम लोग आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। तो आप लोगों ने थंबनेल पे और टाइटल पे देख के समझ गए हमारे किस टॉपिक पे वीडियो होने वाली है। जैसा कि मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं और ट्रेंडिंग पे ये वाली बहुत ज़्यादा रील चल रही है। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे होंगे, ऐसी वीडियो चल रही है आजकल ट्रेंड पे बहुत ज़्यादा ही, मतलब इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कार के पीछे से मतलब एनिमेशन ये वाला एकदम डिलेड जैसे आप देख रहे हो वीडियो में। तो ऐसा आपको आज मैं वीडियो में सिखाने वाला हूँ, वो भी एक ऐप से, कैपकट ऐप से। वैसे ये लाइट मोशन प्रीमियम प्रो जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें चलते हैं, तो मगर मैं आज आपको फ़ोन में ये कैपकट ऐप कैसे डाउनलोड करना है, क्या है, मैंने स्पेल लोग कर सकते हैं एंड्रॉयड एंड आईओएस। तो सबसे बेटर ऐप तो कैपकट है और इसको कनेक्ट कैसे करना है सब कुछ मैं आज आपको फ़ोन की स्क्रीन में दिखाने वाला हूँ और आपको एक एक सेटअप मेरा देख के चलना है। बहुत से लोगों ने ट्राई करा होगा करने के लिए तो कर नहीं पा रहे होंगे। आज आपको तुम्हारा भाई नोवी सौरव एक्स सिखाने वाला है और वो भी कैपकट में कैसे आप लोग कार के पीछे से बैकग्राउंड उसका एकदम एनिमेशन हिला सकते हैं। बताऊँ बहुत अच्छा टॉपिक है, दबा के शेयर कर देना, मतलब इतना कहना चाहता हूँ मैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको पूरा फुल वीडियोज़ देखना है, ज़रा से भी स्किप नहीं करना। बिना वक्त दिख रहे वीडियो स्टार्ट करते हैं और उससे पहले मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और टेलीग्राम पर जो भी इसमें अगर लिंक लगने वाला है तो मैं टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा नीचे, ज्वाइन कर लेना आप। अबाउट में भी जाके आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ बिना बकचोदी करे हुए। हम लोग आ चुके अपने फोन की स्क्रीन पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं अपने फोन की स्क्रीन पे हूं और इसमें आपको दो चीज़ की ऐप की ज़रूरत लगेगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऐप है, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है और आईफोन में कैसे करना है और इसके बारे में मैंने बता रखा है, मैं लिंक आपको यहाँ पे दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं आईफोन में कैसे कैपकट डाउनलोड करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ट्रावो वीपीएन ओपन कर लेना है। हमारा ट्रावो वीपीएन कनेक्ट हो गया, अब इसके बाद अब आपको कैपकट ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड इसके बाद ये वाली कार की वीडियो ले लेनी, जो आपके पास जो भी कार हो आप उसकी वीडियो बना के और यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये वाली आ जाए यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, ये थोड़ी जंपिंग कर रही है इसलिए मैंने वैसी बनाई थी, ठीक है। तो आपके पास ये आने के बाद अब आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है, आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो वो कैसे करना है, इसके ऊपर सिंपली टाइप करना है एंड इधर की तरफ स्क्रॉल करोगे कट आउट का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ, इसके ऊपर टाइप कर देना है आपको एंड यहाँ पे कस्टमाइज कटआउट के ऊपर क्लिक करना है आपको, ठीक है। एंड इसके बाद इसको जूम कर लेना है, जूम करने के बाद जूम करने के बाद और इसको थोड़ा सा इसका ब्रश का लेयर थोड़ा बढ़ा देना है 12 पॉइंट या जिस पे भी आप कर सकते हैं, फिर यहाँ से आपको रिमूव करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। कार रिमूव हो चुका है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक होने के बाद ये हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, ठीक है, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं। अब इसको ये जो रिमूव बैकग्राउंड ये 100% होने के बाद रिमूव हो जाएगा, हो गया हमारा रिमूव, ठीक है। क्या करना है, अब इसके ऊपर वो वाला एनिमेशन लाना है, ठीक है, क्या करना है, वो वाला एनिमेशन। तो आपको वीडियो इफेक्ट्स के ऊपर जाना है, यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करना है आपको, स्पेनिंग स्पेस दिख रहा होगा इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद साइज बढ़ा देना है, यहाँ से आपको टिक कर देना है, ठीक है। और इसको फुल लेके जाना है यहाँ पे, एकदम ऐसे हो जाने के बाद जब भी आपका हो जाए तो यहाँ से आपको एक्सपोर्ट कर लेना है, साथ रोटेट करके फ्रेम और इसको एक्सपोर्ट पे लगा देना है कि वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए। यहाँ से आपको डन पे क्लिक कर देना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, फिर आपको वही वाली क्लिप ले लेनी है। क्लिप ऐड करने के बाद यहाँ से आपको वही वाली क्लिप ऐड करने के बाद यहाँ से ओवरली पे क्लिक करना है एंड ऐड ओवरली पे क्लिक करना है और वो जो आपने एक्सपोर्ट करी थी वीडियो वो क्लिप ऐड कर लेनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। ऐड करने के बाद इसको फुल एकदम साइज फुल साइज कर देना है, फुल साइज करने के बाद यहाँ पे स्पेशली के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे फिल्टर वाले के ऊपर क्लिक कर देना है आपको, लाइटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है लाइट वाले पे और इसको रोटेट करके आपको ऐसे करने के बाद आपको फुल कर लेना है, ठीक है। बढ़ाने के बाद ऊपर कर देना है, इसको करने के बाद इसको साइड में लगा देना है, ठीक है।
लगाने के बाद जो आपका ये वाला ऊपर वाला इफेक्ट है, इसको क्या करना है आपको, डुप्लीकेट करना है आपको, कॉपी कर लेना है इधर से। कॉपी करने के बाद इधर आना है आपको थोड़ा सा साइड में। साइड में आने के बाद यहाँ पे ओवरली का ऑप्शन आ जाएगा, इसको नीचे करने के बाद इसको साइड में खींच के लेके जाना है, ठीक है। और इसका साउंड ऑफ कर देना है। तो अभी आपको समझ नहीं आया, इसको क्या करना है, इसका बैकग्राउंड में फिर से दोबारा रिमूव करना है। रिमूव के लिए क्या करेंगे, कटआउट के ऊपर जाएंगे एंड कस्टमाइज कटआउट के ऊपर क्लिक करना है आपको एंड इसको जूम करना है। जूम करने के बाद वैसे आपको रिमूव कर देना है। तो गाइस जैसे मैंने रिमूव करा, आपको भी ऐसे सेम रिमूव करना है। तो बताना आपको कैसी लगी वीडियो, आई होप आपको सेम वैसे ही दिख रहा होगा। बट इसमें अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत दिख रहा है तो आप लोग उसको एडजस्ट कर सकते हो ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद अब आपको जो वो वाला एकदम अचानक से आता है इसके ऊपर टाइप करना है एंड यहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर जाना है, कॉम्बो के ऊपर जाना है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो देख लेना आपको कैसा कौन सा सही लग रहा है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा वीडियो, अगर डार्कनेस या कुछ वैसा रखना है तो आप रुक रख सकते हो, अगर हमें लाइट के ऊपर रखना है इससे हमारी वीडियो अच्छी दिखने वाली है। तो ऐसे आपको देख लो एकदम सेम जैसे मैंने आपको दिखाया था, वीडियो एकदम सेम है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, एकदम जैसे आप लोग ने उसमें देखा था रील्स वगैरह में सेम वैसे ही है। बस ये बात है ये फ़ोन से एडिट हुआ है और जो सीपी में एडिट होता जैसे फिल्मोरा या प्रीमियम जिसमें भी अगर सॉफ्टवेयर में एडिट होता तो थोड़ा वैसा दिखता, मगर हमने करा कि इसमें कैपकट में करा और मैंने आपको दिखा दिया आपको ऐसे सेम करना है। और आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करते हुए जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तो एक बार आप लोग वीडियो देख सकते हैं फुल ऐसे ही, ठीक है। तो आप लोग को इसमें अगर और भी इफेक्ट्स वगैरह जानने हैं तो आप लोग डाल के रील अपलोड कर सकते हैं अपने फ्रेंड उसके बाद सबके पास शेयर करना और बताना मुझे कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो हाँ, तो गाइस आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों ने जैसा ये स्टेप देखा और मैंने बताया, तो प्लीज़ शेयर लाइक शेयर कमेंट करते हुए जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए जय हिंद जय भारत। Bring him from the yard.